जहां पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान पिपराइच थाना क्षेत्र निवासी आमिर हमजा पुत्र स्वर्गीय सादिर अली, जहां थाना क्षेत्र निवासी गोलू पुत्र ब्रिज राज तथा कुशीनगर जिले के थाना हाटा निवासी सलाउद्दीन पुत्र नसरुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस ने इन लोगों के पास से चोरी की 2 बाइक, 2 इन्वर्टर, 3 बैटरी, 1 CPU, 4 गैस सिलेंडर, 1 लैपटॉप, डाटा केबल, कपड़ा, 4 LCD सहित भारी मात्रा में बर्तन और अन्य घरेलू सामान बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग घरों और दुकानों में चोरी किया करते थे। उन्होंने बताया कि चोरी के सामानों को ये लोग बेचने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की भारी मात्रा में सामान बरामद करते हुए 6 मुकदमों का खुलासा किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। आज 3 सादे चोरों को हमें जंगा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर कम से कम 6 मुकदमों का भी उद्घाटन हुआ है। काफ़ी सामान बरामद हुआ है, 3 मोटरसाइकिल हैं, कंप्यूटर के LCD हैं, गैस सिलेंडर, कपड़े, मतलब ये हर एक किस्म की चोरी करते थे। खजनी, सिकरीगंज, राजघाट, गुलरिया, थाना जंगा, इनके मामले अभी तक इनके उद्घाटित हुए हैं। इनसे काफ़ी सारी मात्रा में सामान रिकवर किया गया है और मुलजिम जो है अभी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। चोरी अब इनका नेचर है, मतलब ईमानदारी से नहीं कमा सकते तो जो है चोरी करते हैं। कम उम्र के लड़के हैं और काफ़ी सारी चोरियाँ उन्होंने बताई हैं। इनके कुछ साथी जो है अभी निगाह में आए हैं, जहाँ ये चोरी का सामान खपाते थे, उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनकी मतलब जब तलाश पूरी होगी तो उम्मीद है कि और भी मामले उद्घाटित होंगे। दुकानों में भी, मकानों में भी चोरियां की हैं, जैसे सामान जो है आप लोग देख सकते हैं।